भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे अंबाला छावनी के पूर्व नायाब तहसीलदार बोधराज की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व नायाब तहसीलदार को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने पूर्व नायाब तहसीलदार को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये तमाम जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व नायाब तहसीलदार से रिकवरी करने के लिए उन्हें रिमांड पर लिया गया है और मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। आज साहब ने श्री बोधराज जी का नया तहसीलदार जो रिटायर है, इनका एक दिन का रिमांड मंजूर किया है, जिसमें हमने इनसे रिकवरी करनी है और इसकी प्रॉपर्टी बारे पता किया जाएगा। बता दें कि अंबाला छावनी में इंतकाल दर्ज करवाने के मामले में पूर्व नायाब तहसीलदार बोधराज पर 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि पहले उससे 2 लाख रुपए मांगे गए और जब उसने अधिकारी को 1 लाख रुपए दे दिए तो अधिकारी का लालच और जाग गया, जिसके बाद अधिकारी ने इंतकाल दर्ज करने के लिए 5 लाख की डिमांड कर डाली। ऐसे में शिकायतकर्ता ने पहले विजिलेंस और उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पूर्व नायाब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरा एक प्लॉट था जिसका मैंने इंतकाल करवाना था, जिसकी बाबत मैंने नायब तहसीलदार अम्बाला से उन्हें को एक प्रार्थना पत्र दिया और इंतकाल को दर्ज व मंजूर करने के लिए मैंने उनसे कहा। तो इस बाबत जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे से इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 2 लाख रुपये की डिमांड करी और 1 लाख रुपए मैंने उनको बकायदा बैंक से निकलवा के दिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के टाइम उन्होंने कहा जी मैं इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 5 लाख रुपए लूँगा, अगर आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं इस इंतकाल को खारिज कर दूँगा। वहीं पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा पूर्व नायाब तहसीलदार खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बिल्कुल झूठे हैं जी, एलिगेशन फेक हैं, कोई पैसा नहीं मांगा, कभी कोई लिया नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग दस्तावेज भी कुछ भी नहीं है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और पूर्व नायाब तहसीलदार से लगातार पुलिस पूछताछ जारी है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।